नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 31,900 का पुट शॉर्ट किया है 200 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 288। पुट शॉर्ट करने का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जब भी ट्रेड है तो सबसे पहला काम है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको। तो चलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मेरा स्टॉप लॉस पहले ही लगा चुका हूँ मैं 295.75, और थोड़ा एक रुपया ऊपर लेके जाते हैं इसको 296.95 कर देते हैं। इस ट्रेड में मेरी रिस्क रहेगी लगभग 1100 या 1200 रुपये के आसपास, और उसके अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट रहेगा, एम रहेगा 10,000 के आसपास। तो देख सकते हो अभी सडनली इसने एक हाई लगा दिया है, मतलब मार्केट विद इन एक या एक मिनट के अंदर ऊपर चला गया, तो ये स्ट्राइक प्राइस नीचे आ चुका है। तो देख सकते हो अभी 238 का लो लगा है और 8000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है स्क्रीन पे। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, मैं बहुत बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का बहुत ही बढ़िया रोल होता है। आप जब भी ट्रेड करते हो तो बड़ा रोल होता है आपके ट्रेडिंग सेशन में, और एक माइंडसेट, ये दो तीन चीज़ें करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर रोज ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो अभी 10,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, और हमारा एम भी रहेगा कि 10,000 बुक कर ले। चलिए मार्केट ऑर्डर में इसको निकालने की अभी कोशिश करेंगे एक बार, चलिए देखते क्या हो रहा है, क्योंकि 10,000 का ऊपर का एम तो है हमारा और दिखा भी रहा है 10,000 के ऊपर। तो चलिए मार्केट ऑर्डर में इसको 11,000 भी दिखा रहा है, 11,500 लो लगाया है 229, तो कैंसिल कर देते हैं इसका ऑर्डर को हम एक बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऑर्डर में मैं इसको निकालता हूँ। दोस्तों, जब भी आप ट्रेड भी करते हो साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ हैंडल करनी पड़ती है। चलिए इसको मैं मार्केट ऑर्डर में निकाल देता हूँ। बाय का बटन दबा दिया मैंने, दोस्तों देखते क्या हुआ। स्टॉप लॉस कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार होता है, लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, उसकी लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे रहा हूँ। 14,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया था, उस दिन में ऐसे ही हुआ था कि ऑर्डर रिजेक्ट और कैंसिल हो रहे थे, आज भी वैसे ही हो रहा है। उसकी भी लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो देख सकते हो मैंने अभी यही स्टॉप लॉस निकाल दिया है, तो सडन स्पाइक ना आ जाए इसलिए मैं फिर से एक बार स्टॉप लॉस डालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि रिवर्सल अगर मतलब गिरावट या मतलब मार्केट में ऊपर नीचे अगर इतने फास्ट हो रहा है तो कभी भी रिवर्सल आ सकता है, तो स्टॉप लॉस हमारा हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो वही स्टॉप लॉस लगा देंगे 295 के आसपास, 295 पॉइंट सोच रहा हूँ कितना लगाए, 296.75 यही कर देते फाइनल। तो अभी भी उतना ही रिस्क है दोस्तों, 1200 रुपये के आसपास। तो अभी हम स्क्रीन एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हो रहा है। अभी 8,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। मोर देन 10,000 का हमारा एम तो है ही इस वीडियो में, इस ट्रेड में 9,000 के आसपास दिखा रहा है अभी प्रॉफिट। मैंने बताया था कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसे ट्रेड लेने के लिए, और स्टॉक ट्रेडिंग कैसे प्लान करना है उसको, तो उसके भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप हमारे चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हो। देख सकते हैं अभी 9,000 दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि सडन स्पाइक हो रहा है, मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हो नहीं रहा है, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर निकाल दिया, चलिए इसको बुक करने की कोशिश करते हैं मोर देन 10,000 के लिए। मैंने देख सकते हो यहाँ पे निकाल दिया 9,800, कोई दिक्कत नहीं, और भी एक आध ट्रेड ले लेंगे 10,000 के लिए। तो हो सकता है कि मैं और एक ट्रेड ले लूँ, वीडियो को यहाँ पे पॉज करने की कोशिश करूँगा, और एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके देखते हैं कि सभी ऑर्डर हमारे कैंसिल हो चुके हैं कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। देख सकते हो सुबह लिया था, रिजेक्ट हो गया, दो बार कैंसिल हो चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, अभी हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन रिफ्रेश करके देता हूँ। सुबह एक्चुअली क्या हुआ था कि 9,800 का प्रॉफिट बुक हुआ, 10,000 हुआ नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा एक ट्रेड लिया, उसमें लगभग हमने 275 रुपीस का प्रॉफिट बुक करके ये हमारा जो नंबर था वो कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो कंप्लीटेड ऑर्डर है। सुबह हमने ट्राई किया था मार्केट ऑर्डर में प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन रिजेक्ट हो चुका था। उसके बाद दो बार मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ, और मैंने एक्चुअली बाद में फाइनली स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये सारे ऑर्डर बुक आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो बताना चाहूंगा कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज होती है प्रैक्टिस, और दूसरी चीज होती है आपका माइंडसेट। माइंडसेट कहाँ पे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा माइंडसेट? आपको एनालिसिस करते रहोगे, टेक्निकल एनालिसिस करते रहोगे, डाटा को यूज करते रहोगे, डाटा सर्च करते रहोगे, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, और एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, हर रोज प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो
आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करने वाले अपने चैनल पे, हर सैटरडे संडे आपको जैसे बताया था तो वीडियो आने वाले है। तो ये सारे वीडियो आपके आपसे मिस ना हो जाए तो आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा दोस्तों। इससे होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे बहुत सारे डेली बेसिस पे फ्री कॉलम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।